सो ही गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल। और यार, आज की वीडियो में हमारे साथ कोई स्टूडेंट नहीं है बल्कि एक स्टार है एनआईटी तिरची का। तो यार, एनआईटी तिरची के स्टूडेंट को पकड़ना इस वक्त बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो हमने बहुत मुश्किल से एक एनआईटी तिरची का स्टूडेंट अरेंज करा है। तो यार, हमारे साथ है यश, जो कि एनआईटी तिरची का स्टूडेंट है और ये जनरल कैटेगरी का है, कोई और कैटेगरी का नहीं है कि जो रैंक बहुत पीछे होगी। इसकी रैंक बहुत अच्छी थी। तो यार यश, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो यार ऑडियंस को। हाय गाइस, मेरा नाम यश कुमार सिंघल है। मैं अभी एमसीए थर्ड ईयर में हूँ। एनआईटी त्रिची से मैं एमसीए कर रहा हूँ और मैंने इससे पहले बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया है फ्रॉम डीयू हंसराज कॉलेज। और निमसेट की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिया निमसेट का, तो मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 29 आई थी। तो फिर मुझे इजिली एनआईटी त्रिची मिल गया था। और मेरा ऐसा कोई कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं था बिफोर एमसीए। और मैं, जैसे कि आपको बताया, मैं मैथ्स ऑनर्स से हूँ, तो जो भी मैंने सीखा कोडिंग वगैरह जो भी सब सीखा वो मैंने एनआईटी त्रिची में आके ही सीखा है। तो यार, आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि यश का कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है। तो सबसे पहले मैं इससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके बाद जो भी आपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करे हुए हैं, मैं वो पूछूंगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आपको डायरेक्ट वहीं से शुरू करना है तो आप स्किप कर देना वीडियो, नहीं तो अगर आपने इसके बेसिक क्वेश्चंस देखने हैं तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो यार यश, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि लाइफ एट एनआईटी तिरची क्या है। थोड़ा सा सबको यार इंट्रोडक्शन दो। लाइफ एट एनआईटी त्रिची, मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ का एनवायरनमेंट है एनआईटी त्रिची का, वो मैं नहीं समझता वो किसी और एनआईटी में या किसी और भी कॉलेज में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन है वो सबसे मेन चीज है हमारे एनआईटी त्रिची में। तो आपको कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहता है थ्रू आउट योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और फिर आप भी वही सपोर्ट अपने जूनियर्स को प्रोवाइड करते हो। हम अपने एमसीए को एज अ डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट नहीं करते, हम अपने एमसीए को एज अ फैमिली रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़िया। तो यार, और क्या क्या खासियत है इस एनआईटी में जो इसको बाकी सारे एनआईटी से बिल्कुल अलग कर देती है और टॉप पे है ये अभी तक? तो जैसे कि मैंने बताया सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एलुमनाई कॉन्टेक्ट भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो हमारे एमसीए डिपार्टमेंट का जितना भी एलुमनाई कॉन्टेक्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा हमारे एनआईटी त्रिची में कई सारे टेक्निकल्स और नॉन टेक्निकल क्लब्स हैं। तो ओके वो जो टेक्निकल क्लब्स हैं वो कोडिंग और टेक्निकल जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके थ्रू आपको कई नई चीजें सीखने को मिलती है, नए प्रोजेक्ट्स बनाने को मिलते हैं। और जो नॉन टेक्निकल क्लब्स हैं उनके थ्रू आपको अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डेवलपिंग एनवायरनमेंट है। ओके तो यार, आपको पता लग गया होगा इसको क्या चीज खासियत है इस कॉलेज में जो कि इसको बाकी से हट के दिखाती है एकदम, और ये टॉप पे है अभी तक। तो यार यश, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये आपसे यार कि हॉस्टल फैसिलिटीज और मेस फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी और लाइब्रेरी फैसिलिटी, ये सब कैसी है? जो बेसिक फैसिलिटी एक स्टूडेंट को चाहिए होती है कॉलेज में, वो सब कैसी है? तो पहले मैं हॉस्टल फैसिलिटी की बात करता हूँ। हॉस्टल फैसिलिटी में यह है कि फर्स्ट ईयर में आपको शेयरिंग रूम मिलता है। तो आपको अपने ही डिपार्टमेंट के या फिर और भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना पड़ता है रूम। पर उससे क्या होता है कि आपके और भी डिपार्टमेंट में कॉन्टेक्ट बनते हैं, तो वो भी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बिल्कुल उसके बाद सेकेंड ईयर से आपको सिंगल रूम मिलता है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। सिंगल रूम ज्यादा बेटर होता है प्रिपरेशन करने के लिए। और उसके बाद मैथ्स की फैसिलिटीज, मैथ्स हमारे यहाँ कई तरह की मैथ्स है, जैसे नॉर्थ इंडियन वेज मैथ्स, नॉर्थ इंडियन नॉन वेज मैथ्स, साउथ इंडियन वेज, साउथ इंडियन नॉन वेज एंड केरला मैथ्स, आंध्रा मैथ्स। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा टाइप का फूड खाना है और कौन सा मैथ्स प्रिफर करते हो, तो आप उसमें इजिली एनरोल कर सकते हो। और हर मंथ आप अपनी मैथ हर मंथ न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है। फैसिलिटी का ये है कि लाइब्रेरी में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, मैथ्स डिपार्टमेंट अलग है, कंप्यूटर साइंस अलग है, तो आपकी बुक भी अवेलेबल हो जाती है आपका लाइब्रेरी कार्ड, तो उसके थ्रू आप कभी भी बुक इशू करवा सकते हो। और उसके अलावा ई बुक्स भी अवेलेबल होती हैं जो आप ई बुक्स भी इशू करा सकते हो।
ठीक है, तो यार काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं सारी। इसके अलावा यार मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि फी स्ट्रक्चर क्या है इस एनआईटी का, और क्या मतलब अगर कोई दूसरी है कि ओबीसी है या फिर कोई एससी एसटी है उनकी फीस में कमी है, या फिर अगर जो कोई बहुत ज्यादा बैकवर्ड क्लास से है जिसके पास इतने पैसे नहीं है देने को, उनके लिए क्या फैसिलिटी है? यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर एमसीए में दो ही टाइप का, एक तो ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए और एक एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। एससी और एसटी कैटेगरी की जो ट्यूशन फीस होती है वो पूरी माफ होती है, उसमें कोई वो नहीं होता। उसके अलावा बस उन्हें हॉस्टल फीस देनी पड़ती है, और ओपन और ओबीसी कैटेगरी को हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस दोनों देनी पड़ती है। सो ऑन एन एवरेज 80,000 के अराउंड पर सेमिस्टर फीस लगती है ओपन एंड ओबीसी कैटेगरी की, जिसमें अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एनरोल हो रहे हो भी तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ती है, वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होती है सिर्फ, वरना तो सिर्फ 80,000 पर सेमेस्टर का एवरेज बैठता है ओपन और ओबीसी के लिए, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 40,000 के अराउंड बैठता है। ठीक है, और इसके अलावा लोन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? लोन फैसिलिटीज आपको जब आप एडमिशन के लिए आते हो तभी अवेलेबल कराई जाती हैं। एनआईटी में ही एसबीआई बैंक की एक ब्रांच है, उसके थ्रू आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है जिसमें कि इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है। ओके, तो यार आपको पता लग गया होगा क्या फीस स्ट्रक्चर है, और लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, और एस सी एस टी के लिए ट्यूशन फीस बिल्कुल माफ है। उसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन टिप्स आप क्या देना चाहोगे? प्रिपरेशन टिप्स यही है कि अपना मैथ्स का जो है पोर्शन उसको ज्यादा फोकस करें उस पर, क्योंकि वही ज्यादा मार्क्स का होता है। और उसके अलावा अगर लास्ट मिनट प्रिपरेशन की बात करें तो उसके लिए आपको प्रीफर करना चाहिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, जितने भी आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिले उन सबको सोल्व करो। बट उनको सोल्व करने की भी एक टेक्निक होनी चाहिए कि जो टाइम लिमिट होता है नीम सेट का 2 आवर्स का, आप टाइम लिमिट सेट करके उसे सोल्व करने बैठो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, और फिर अपना एवरेज देखो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो और आपको कहाँ पे कमी आ रही है, फिर उन कमियों को पूरा करो, जहाँ पे आपका मार्क्स कट रहे हैं ज्यादा उसको प्रिपेयर करो अच्छे से। ओके, तो यार मैथ्स के लिए या फिर रीजनिंग के लिए कोई बुक सजेस्ट करना चाहोगे? मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा, ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो जितने भी टॉपिक्स निमसेट में आते हैं इनमें से वो आप इन दोनों बुक में से प्रिपेयर कर सकते हो। और रीजनिंग के लिए भी मार्केट में आपको कई सारी बुक्स मिल जाएंगी, मोस्टली अरिहंत की ज्यादा अच्छी रहती है, अरिहंत पब्लिकेशन की, तो आप उन्हें प्रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो यार आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से करना है। उसके अलावा यार मैं ये पूछना चाहूंगा कौन सी कंपनी आती है कैंपस में प्लेसमेंट के लिए? हमारे कैंपस में बहुत सारी कंपनीज आती है जिसमें कि आईटी सेक्टर की होती है मेजोरिटी ऑफ कंपनीज जो एमसीए के लिए आती है, और उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी आती है लाइक मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, डीशो। सो ये सब भी एमसीए के लिए प्लेसमेंट के लिए आती है एमसीए के। ठीक है, तो यार इसमें मैक्सिमम और एवरेज प्लेसमेंट का पैकेज क्या होता है, और मिनिमम भी बता देना। मैक्सिमम प्लेसमेंट का पैकेज 40 लाख के अराउंड जाता है, 40 लाख सीटीसी, और मिनिमम 6-7 लाख के अराउंड जाता है, और एवरेज 10-11 लाख के आसपास रहता है। तो यार आपको क्लियर हो गया होगा क्या पैकेज है। तो यार ये सब मेरे सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, उसके बाद मैं जो भी आपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करे थे मैं वो पूछने वाला हूँ इसमें से। तो यार ये यश राजवंशी का है कि आपने कोचिंग ली थी सबसे पहला पॉइंट, और आपने कौन कौन सी बुक सॉल्व करी थी जिसकी वजह से आपकी इतनी अच्छी रैंक आई? मैंने कोचिंग ली थी सेनमैक्स से जो कि दिल्ली में करोल बाग में है, और वहां पे जो मुझे मटेरियल प्रोवाइड किया गया था मैंने उसका यूज किया था। उसके अलावा मैंने एक अरिहंत की पास्ट ईयर सोल्ड पेपर क्वेश्चन पेपर की बुक ली थी, और जैसे कि मैंने बताया कि टाइम लिमिट सेट करके उसके क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए, मैंने बिल्कुल वैसे ही सोल्व किया था। फिर वही मैंने देखा कि इस सेक्शन में मेरे ज्यादा मार्क्स कट रहे हैं तो मैंने उस सेक्शन पर फिर फोकस किया। बिल्कुल सर। उसके बाद यार मयंक का क्वेश्चन ये है कि जब 2 साल की एमसीए होने वाली है तो क्या यार वो स्पॉइल कर देगी पूरे सीए स्टूडेंट्स को और नॉन सीए स्टूडेंट्स को या नहीं, क्योंकि यार वो उनका पिछला कोडिंग बैकग्राउंड नहीं होता, तो 1 साल में पूरी कोडिंग सीखना प्लस कॉलेज को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। इसके ऊपर कुछ पॉइंट?
ये थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा 2 साल की एमसीए होने के बाद, लेकिन अगर इससे ठीक होना है, मतलब अगर 2 साल का फर्क नहीं पड़ना देना है, तो जब आपका निमसेट क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप एक भी कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, जैसे सी प्लस प्लस सीख ली, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आगे के लिए अगर 2 साल का एमसीए हो जाता है तो। ठीक है, उसके बाद यार ओम का क्वेश्चन ये है कि 60% इन ग्रेजुएशन नेसेसरी है प्लेसमेंट के लिए। कुछ कंपनीज आती हैं जो ग्रेजुएशन में 60% मांगती हैं, और कुछ ऐसी आती हैं जो ग्रेजुएशन में 60% नहीं मांगती, वो सिर्फ आपके एमसीए का ग्रेड सीजीपीए देखती है, और कुछ ऐसी भी आती है जो 10-12 के भी मार्क परसेंटेज देखती है, तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है। ओके, तो यार एक हरिकेश का क्वेश्चन है कि निमसेट में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए टॉप 5 एनआईटी के लिए रैंक का कुछ क्राइटेरिया, मतलब कौन सी रैंक तक कौन सा एनआईटी मिलेगा, इसके ऊपर कुछ पॉइंट यार, कुछ आइडिया। एनआईटी त्रिची के लिए जब 92 सीट्स हुआ करती थी उस टाइम टॉप 35 रैंक्स का एवरेज था कि टॉप 35 में जनरल के लिए एनआईटी त्रिची मिल जाएगा, और उसके अलावा टॉप 5 एनआईटीज के लिए अराउंड 150 रैंक तक टॉप 5 एनआईटीज मिलने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो यार अब क्लियर हो गया होगा, और वैसे भी कुछ सीट्स बढ़ रही हैं तो थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट भी करेगा। यस, वो अब सीट ज्यादा इंक्रीज हो गई है हर एनआईटी में, तो अब उसके वजह से रैंक्स भी ज्यादा मतलब प्रीफर की जाएंगी। उसके बाद यार विनायक का क्वेश्चन है कि कोचिंग नेसेसरी है क्रैक करने के लिए, और अगर अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने कोचिंग ली है तो मैं ये कहूंगा कि कोचिंग ज्यादा नेसेसरी नहीं है, अगर आपके पास मटेरियल है पढ़ने का, सही मटेरियल है, तो आप इजिली क्रैक कर सकते हो निमसेट, ये इतना मुश्किल नहीं होता है। उसके लिए आपको वही मैथ्स पे अपना फोकस करना पड़ेगा ज्यादा, आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल, और वही 5 ईयर सोल्ड पेपर, ठीक तो आप उनके थ्रू इजिली क्रैक कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ते हो। है, तो यार आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यार रौनक का क्वेश्चन ये है कि कितनी सीजीपीए लानी पड़ती है एमसीए में कि वो एग्जैक्टली क्राइटेरिया मैच कर सके प्लेसमेंट के लिए। जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है हर कंपनी के लिए क्वालिफाई करने का, वो 8 CGPA होता है, मतलब अगर आपका 8 CGPA है तो आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आराम से बैठ सकते हो, और कुछ कंपनीज ऐसी आती है जो 7.5 CGPA भी रखती है, कुछ 7 भी रखती है, और कुछ का कोई क्राइटेरिया भी नहीं होता है, तो वो बस कंपनी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपका 8 CGPA है तो आप सभी कंपनीज में ऑलमोस्ट बैठ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यार अगला क्वेश्चन ये है कि 12th में 60% नेसेसरी है अभी भी। प्लेसमेंट्स के लिए हाँ 12th में 60% कोई कोई कंपनी वो क्राइटेरिया रखती है, वो सिर्फ कंपनी पे डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज आती हैं जो 12th में 60% मांगती हैं, बाकी नहीं मांगती। यार एक ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि एकेडमिक ईयर गैप है, समझ लो 12th के बाद ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन के बाद एकेडमिक गैप है मेरा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो क्या उसके बाद मुझे प्लेसमेंट में दिक्कत आएगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं एनआईटी त्रिची में जिनका 1 ईयर का या 2 ईयर का या 3 ईयर का भी गैप होता है, बस वो आपको एक उसका रीजन होना चाहिए आपके पास कि आपका वो गैप क्यों आया, क्योंकि ये जो गैप वाला क्वेश्चन है ये आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा, तो आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर पता हो उस टाइम कि आपका गैप क्यों आया। तो यार आपको एकदम सही रीजन बताना पड़ेगा तभी आपकी प्लेसमेंट होगी। उसके बाद यार प्रतीक का क्वेश्चन ये है कि ओबीसी की कितनी रैंक चाहिए कि एनआईटी तिरची मिल जाए। ओबीसी की रैंक अराउंड 120 और 150 के बीच में अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आराम से आपको एनआईटी तिरची मिल जाए। उसके बाद यार राहुल का क्वेश्चन ये है कि अन अकेडमी के जेई लाइव सेशंस होते हैं, क्या वो सफिशियंट है मैथ्स पोर्शन के लिए। मैथ्स का पोर्शन ऐसा कुछ निमसेट का हार्ट नहीं होता, अगर आप ध्यान से देखो तो 12th का ही पोर्शन होता है, मोस्ट 12th तक का ही पोर्शन होता है, तो अगर आपका टॉपिक्स वाइज कवर हो रहा है सारे कॉन्सेप्ट्स तो वो इजिली आप क्रैक कर सकते हो मैथ्स। उसके बाद यार ओम का क्वेश्चन है कि कौन सी जॉब प्रोफाइल्स होती है कॉमन जो कि कंपनीज आती है लेने एमसीए में।
मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल जो एमसीए के लिए रहती हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए रहती हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेकिन बाकी सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर उनमें एनालिस्ट के लिए रहती है। ओके ओके, उसके बाद यार उमेश का क्वेश्चन ये है कि लोन प्रोसेस कहाँ से पता लग सकता है उसको, कि लोन प्रोसेस का क्या प्रोसीजर? लोन प्रोसेस का आपको ऐसा कुछ वैसे दिक्कत नहीं आएगी। जब एडमिशन कराने आते हैं तो जो हमारे एनआईटी त्रिची के स्टूडेंट्स होते हैं जो सेकेंड ईयर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे उस टाइम अवेलेबल रहते हैं जब एडमिशन कराने आते हैं नए स्टूडेंट्स, तो वो उनकी सब चीज में हेल्प करते हैं, वही उनका लोन प्रोसेस वाला उनसे आके सब बताते हैं। जब उनका एडमिशन हो जाता है तो पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में उन्हें गाइडेंस मिलता है कि कैसे लोन प्रोसेस का अप्रूवल कराना है, कैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म्स भरने हैं, तो वो सब सीनियर्स गाइड करते हैं। तो उसमें उनको कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है यार। उसके बाद उनको टेंशन लेने की बात, उसके बाद यार आयुष्मान का क्वेश्चन है कि शुड आई डू कोडिंग ओनली और शुड आई फोकस ऑन वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, बिग डेटा, आई एम एन एस्पिरेंट ऑफ निमसेट 21। अभी तो वैसे कोडिंग स्ट्रॉन्ग करने की ज्यादा जरूरत है, और ये जो डेवलपमेंट की बात है ये एमसीए में आके आप जब नए नए क्लब्स में आपको वो एनरोल करना पड़ेगा। हमारे क्लब्स होते हैं जो टेक्निकल क्लब्स, उनमें जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो पूरा ऐसे ही होता है जैसे कंपनी में होता है, तो उसमें आपको प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना पड़ता है एक नया बना के, तो उस टाइम भी आप ये सब चीज सीख सकते हो। और आपको पूरे कौन एमसीए के फर्स्ट ईयर में तो आपको कम से कम प्रोजेक्ट कई सारे बनाने पड़ते हैं। ओके, उसके बाद यार महेश का क्वेश्चन ये है आपसे कि कंप्लीट सिलेबस ऑफ निमसेट में से हमें स्टार्टिंग में कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए विदाउट कोचिंग, कि हमारा क्रैक हो जाए, कि मतलब मेन मेन टॉपिक्स कहाँ से शुरू करें या किस तरीके से, इसके ऊपर कुछ गाइडेंस। मेन टॉपिक्स में ये ही आता है आपका एलजेब्रा और कैलकुलस, ये दो ऐसे टॉपिक्स है आपको इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए तो आपका इजली मैथ क्रैक हो जाएगा। उसके अलावा रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे भी फोकस रखना चाहिए। ओके, उसके बाद यार ओम का क्वेश्चन ये है कि डेटा साइंस की प्रोफाइल्स के लिए आती है कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट में? डेटा साइंस की अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं आई है जितना मुझे पता है, और अभी ईयर के प्लेसमेंट शुरू होंगे तो अब शायद कोई आए। ओके, उसके बाद ईशा का क्वेश्चन ये आपसे कि एडमिशन होने के बाद टॉप एनआईटीज में अप्रोक्स कितने बच्चे प्लेस हो जाते हैं, और क्या एमसीए और बीटेक के बच्चे इकट्ठे बैठते हैं प्लेसमेंट के लिए? तो अराउंड लास्ट ईयर का अगर हम प्लेसमेंट का रिकॉर्ड देखें जो 2020 बैच था तो उनका ऑलमोस्ट 100% रिकॉर्ड रहा है प्लेसमेंट का। ओके, और एमसीए और बीटेक के स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में साथ में बैठते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो सिर्फ एमसीए के लिए आती हैं तो उसमें सिर्फ एमसीए के स्टूडेंट्स बैठते हैं। ओके, उसके बाद यार गौरव का ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश की कौन सी बुक अच्छी है प्रिपरेशन के लिए अगर किसी की इंग्लिश वीक हो तो? इंग्लिश में तो ऐसा कुछ निमसेट का खास सिलेबस नहीं है मुझे लगता है, पर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप वो अपना सिनोनिम एंटोनिम ये सब प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड यही सब होता है जो इंग्लिश में मेन आता है, नहीं तो प्रीवियस पेपर्स भी देख सकते हो, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस, उसके बाद यार आकृति का ये क्वेश्चन है आपसे कि लाइफ बिफोर इनटू गोइंग इनटू एनआईटी तिरुची वर्सेस लाइफ आफ्टर एनआईटी तिरुची, कुछ इसके ऊपर कमेंट। मैं तो जैसे डीयू से अपना ग्रेजुएशन किया है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि डीयू की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा फ्रीडम वाली है आई विल से, बट एनआईटी त्रिची में यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, आपको डिसिप्लिन से रहना पड़ता है, ये डीयू की लाइफ से बिल्कुल चेंज हो जाती है वहां पे। ओके, चल ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपसे आकृति का कि यार लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बिफोर निमसेट, क्योंकि ये पैंडेमिक का टाइम है और इस टाइम अपने आप को फोकस रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत बच्चों को अपने आप को फोकस रखने में बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो उसके लिए आपका यार कुछ सजेशंस? लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी मैं फिर से वही कहूंगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करो और पूरा टाइम लिमिट के साथ सोल्व करो, उसी से ही आपका फोकस बनेगा, और लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी भी वही है।
ओके, इसके बाद यार अर्चित का क्वेश्चन आपसे एक है, मैं वीआईटी भोपाल लूं या फिर एमएससी इन आईटी फ्रॉम DAIICT गांधीनगर, इसके बारे में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो। एमसीए फ्रॉम वीआईटी, या एमसीए फ्रॉम वीआईटी ये भी अच्छी है, और वीआईटी से भी एमसीए के अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, तो आप इजली जा सकते हो वीआईटी में एमसीए के लिए, बस वहां का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो यार आपको इसने सजेशन देख ली, आप उसके बाद अपना फी स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटर्नशिप का क्या प्रोसीजर है एमसीए में? 2 इयर्स का होने के बाद अगर एमसीए अगर 2 साल का हो जाता है तो उधर इंटर्नशिप होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन? अगर 2 इयर्स का एमसी हो जाता है तो इंटर्नशिप होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो अभी 2 इयर्स के कोर्स है 93 की में, जैसे एमएससी हो गया, कंप्यूटर साइंस, एमटेक डा हो गया, जो तो उनके लिए इंटर्नशिप में कंपनी नहीं आती। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस पूरे कवर हो गए हो। हमने बेसिक से लेके एडवांस सारे क्वेश्चंस पूछ लिए यश से, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया इन सबका। तो आई होप कि आपकी सबकी क्वेरीज अच्छे से क्लियर हो गई हो, आप मोटिवेटेड रहें अपने एग्जाम्स के लिए, और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखो, और इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच।